खेल पुरस्कार हासिल करना हर खिलाड़ी का सपना होता है और गोल्फर गगनजीत भुल्लर का सपना इस बार ये साकार हो गया है अर्जुन अवार्ड पाकर। गगन इस वक्त हमारे साथ हैं, गगन से जानते हैं कि पूरा एक्सपीरियंस किस तरह से रहा। गगन, जब आप राष्ट्रपति भवन में थे, अवार्ड रिसीव कर रहे थे, जब आपने ये ब्लेजर पहना, उस वक्त क्या फील कर रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में? ये फीलिंग ऐसी फीलिंग होती है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। एंड मुझे मालूम है, जब मैं प्रेसिडेंट मोदी जी के सामने खड़ा था, तो जो जो मैंने हार्ड वर्क किया, जो जो मेरी लाइफ के इमोशनल पल थे, मैं सब उन चीज़ों को याद कर रहा था। और ऑब्वियसली जब मैंने गोल्फ शुरू की थी कम से कम 15 साल पहले, तो ये एक सपना था ये अपने देश के लिए कुछ करना। और क्योंकि एज अ एथलीट आप एटलीस्ट देश के लिए कुछ करें, तो गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके एक उनके नियम्स बने हैं, उनके रूल बने हैं कि वो आपको फेलिसिटेट करें। और बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड लेके। एंड मुझे ज़रूर अपना काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि मैं आने वाले टाइम से इस अवार्ड से काफ़ी प्रभावित होऊंगा, काफ़ी इसको मोटिवेट होऊंगा, और इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भी काफ़ी तैयारी करूंगा। आपने अभी बात की कि अब आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो चाहिए, अब आपकी नज़र उस पर, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी होगी? ओलंपिक टारगेट होगा? बिल्कुल, 2016 की ओलंपिक्स में गोल्फ एक नई स्पोर्ट है, और जैसे मेरी वर्ल्ड रैंकिंग है और जैसे मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ और जैसे गेम इम्प्रूव हो रही है, तो ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना और मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऑब्वियसली बहुत हार्ड वर्क चाहिए, पर मेरी सारी उम्मीदें, सारा हार्ड वर्क, सारी पॉजिटिविटी गोल्फ में अभी लगेंगी। और इसके बाद मुझे, मैंने आज जो देखा है भी एक एथलीट को क्या फीलिंग होती है, तो वो फीलिंग मुझे बिल्कुल वापस खींचेगी, मैं और मेहनत करूँ और अपने देश के लिए और मेडल लेके आऊँ। गगन, गोल्फ जैसा खेल देश में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन जब आप एक गोल्फर के नाते आपको ये सम्मान मिलता है, जब ये फेलिसिटेशन मिलता है, तो लगता है कि अब जो गोल्फ है वो भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है? बिल्कुल, गोल्फ एक ऐसा गेम है जो कि हमेशा ही एक रिच कम्युनिटी में खेला गया है, और इसको हमेशा ही लोगों ने बड़े सेंसिटिव तरीके से लिया है। मीडिया ने जो इसकी अप्रोच की है वो बड़ी ही एक सेंसिटिव और यू नो रिस्ट्रिक्टेड गेम की वजह से की है, पर टाइम्स हैव चेंज, समा बिल्कुल बदल चुका है। जो चीज़ कुछ साल पहले थी वो अब नहीं है, गोल्फ एक मामूली गेम हो गई है, लोगों को पता लग रहा है। एक टाइम था जब हम जाते थे तो लोग पूछते थे आप क्या करते हैं, पर अब जब हम ट्रैवल करते हैं लोगों को पता है, फेस विजिबिलिटी बढ़ गई है, गवर्नमेंट इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है। और जैसे कि मैंने बात की है, जो गेम ओलंपिक्स में आ जाती है तो उसके लिए फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, मीडिया की अटेंशन बढ़ जाती है और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप बढ़ जाती है। सो ऑब्वियसली गोल्फ जो पहले थी 10 साल पहले वो नहीं रही है, अब गोल्फ घर घर में जा रही है, घर घर में लोग देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे छोटे उम्र के गोल्फ खेलना चाहते हैं, गोल्फ में मेडल लेके आना चाहते हैं, तो गोल्फ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बट यही है, अभी हमें आने वाली जनरेशन को एक मैसेज देना होगा भी गोल्फ में फोकस रहें, अपना डिटर्मिनाइड माइंड के साथ खेलें और जस्ट हार्ड वर्क के ऊपर फोकस करें। गगन, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक्स। तो गगन जीत को पूरा यकीन है कि अब जो गोल्फ है वो आगे बढ़ रहा है, और अब उनकी नज़र है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पर। दिल्ली से कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ रूफी जैदी, P7 न्यूज़।